ghamasan.com मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारप्रिया। दिल्ली में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर के संदर्भ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा प्रवक्ता जेबीएन नरसिंह राव संबोधित कर रहे थे। ये पहली बार है जब भाजपा कार्यालय में ऐसी कोई घटना हुई है। इस दौरान भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव भी मंच पर मौजूद थे। दिस वॉज अ कंडेमनेबल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person who comes in here to show the same kind of mentality. The same kind of mentality. घटना के बाद लोगों ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और बाहर ले गए। उसकी पहचान कानपुर के डॉक्टर शक्ति भार्गव के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक व्यक्ति ने बताया कि वो भोपाल से मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने से नाराज था। उसे आईपी एस्टेट थाने ले जाया गया जहाँ पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जूता फेंकने वाले व्यक्ति ने खुद को कानपुर का विसल ब्लोअर बताया। उसने अपनी फेसबुक पोस्ट में लाल इमली मिल्स के कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों की आत्महत्या का मामला उठाया था। उसके लिए उसने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। बताया जाता है कि कानपुर के सिविल लाइन्स में डॉक्टर भार्गव का अस्पताल है। भार्गव का उनकी माँ दया भार्गव और भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। वे पत्नी डॉक्टर शिखा भार्गव के साथ अलग रहते हैं। उनकी माँ ने बहू और बेटे शक्ति भार्गव पर प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। प्रॉपर्टी के विवाद और पारिवारिक विवाद की वजह से डॉक्टर भार्गव मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। भार्गव लैंड माफिया के रूप में भी जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष उसके ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे भी पड़े थे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.